विदुर जी कौरव पक्ष में धर्म के रूप में थे, याद रखना, घर में जब तक एक धर्मात्मा रहेगा घर का विनाश नहीं होगा। हाँ, रावण के राज्य में जब तक विभीषण रहे तब तक रावण का विनाश नहीं हुआ, और कौरव पक्ष में जब तक विदुर जी महाराज रहे तब तक कौरवों का विनाश नहीं हुआ, और जिस दिन विभीषण जी छोड़कर आ गए तो रावण भी समूल विनाश कर चुका, रावण का भी विनाश हो गया, और कौरव पक्ष से विदुर जी छोड़कर आ गए तो कौरवों का भी विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि विदुर जी धर्म है, और याद रखना मेरे पागलों, जीवन में एक व्यक्ति धर्मात्मा हो, वैसे तो होना सब चाहिए, पर घर में अगर कोई धर्मात्मा हो, पूजा पाठ वाला हो, तो उसे टोको मत, उसे रोको मत, करने दो पूजा, जितना भजन वो कर रहा है करने दो और उसका साथ दो। हम ये भी निवेदन करें, अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो उसका विरोध मत करो, वरना तुम्हारा हित नहीं होगा। बहुत से लोग स्वयं तो भगवान की भक्ति करते हैं, कई तो हम देखते हैं बागेश्वर धाम, सब तो आते नहीं, जो आते हैं उनकी भी छठरी के बल। साधु जो कर रहे उन्हें करने दो, धर्म बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यकता सनातन की है। वृक्ष में खूब जल दिया जाए, खूब खाद दिया जाए, पर वृक्ष की छाया ना हो तो वृक्ष किसी काम का नहीं, वृक्ष में फल ना लगे तो वृक्ष किसी काम का नहीं। उसी प्रकार तुम कितनी संपत्ति कमा लो, नाम कमा लो, धाम कमा लो, पर धर्म नहीं तो तुम्हारी संपत्ति किसी काम की नहीं। तुम्हारा नाम दो कौड़ी का है, तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की है साधुओं, पैसे के दम पर बनाई हुई इज्जत किराई की इज्जत होती है, सेवा के नाम पर, भगवान के नाम पर बनाई हुई इज्जत शाश्वत इज्जत होती है। और किराए में और असली में बहुत अंतर है। हम हमेशा इन बच्चों को बोलते हैं, कलाकार बनकर के रहोगे तो किराएदार रहोगे, और परिवार बनकर के रहोगे तो अपने बने रहोगे। पर तो आप कलाकार मतलब ऑर्केस्ट, आप प्रोग्राम करो और यू कैन गो, आओ और जाओ, प्रभाव नहीं बनेगा, बजाओगे तो प्रभाव नहीं बनेगा, और परिवार बनकर के अगर बैठोगे तो एक बड़ा आनंद आएगा, खुद भी आनंद आएगा, दूसरों को भी आनंद आएगा, और दोनों काम भी हो जाएंगे। मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से, पैसे कमाने वाले जितने अमीर लोग बैठे हैं, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, तुम दम से कमाओ, जितनी क्षमता हो उससे डबल कमाओ, लेकिन डबल कमा करके काम करो, धर्म को भी धारण करो, धर्म को पकड़ो, धर्म के बिना तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव दो कौड़ी का है माई बाप, दो कौड़ी का, धर्म के बिना, गुरु कृपा के बिना सब कुछ तुम्हारा दो कौड़ी का है। जीवन में आप सबसे हमारा प्रार्थना है, घर में आप सब धर्म का पालन सदैव करते रहो, भगवान के हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना, जो काम कर रहे हो काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। काका, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे, काम करते रहो, काम करते रहो, जो कर रहे हो खूब करो, काम में रोक नहीं। सदन कसाई मांस बेचने का काम करता था, फिर भी गुरु कृपा से वो गोविंद को पा गया, तो तुम तो उससे अच्छा काम कर रहे होगे, करो लेकिन गोविंद को मत भूलो, कथा को मत भूलो, लगातार मत सुनो पर महीने में एक बार सुनो,
कथा सुनने से भक्ति दृढ़ होती है, पूजा करने से विश्वास दृढ़ होता है। हाँ, जो भगवान की नित्य पूजा करता है उसका विश्वास दृढ़ होता है, जो गुरु की सेवा करता है उसका विश्वास दृढ़ होता है, और जो कथा सुनता है उसकी भक्ति दृढ़ होती है।